हाँ चलिए, तो स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों? पहली बार उछाला, हेड आ गया, प्रयोग बंद हो गया। फिर उछाला, टेल आ गया, हेड नहीं आया, प्रयोग चालू रहेगा। फिर टेल आया, फिर से टेल आया, फिर हेड आया, टेल टेल टेल, फिर हेड। इस तरीके से बोलो, समझ में आया नहीं है? क्लियर है सभी को? यस सर, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। यस सर, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि इस पर चित्र प्रकट हो तो हम एक थैली में तीन नीली और चार सफेद गेंदे हैं से एक गेंद निकालते हैं। ओके, मतलब अगर हेड आता है आपका तो आप गेंद निकालते हो। ओके, और अगर सिक्के पर पट आता है तो पासा फेंकते हो। तो बताइए प्रदर समष्टि कितनी होगी भैया? अगर हेड आएगा तो कितनी गेंदे हैं टोटल इसके पास में? चार सफेद, मतलब सात गेंदे हैं, है ना? तो या तो आप नीली गेंद निकालोगे या चार सफेद गेंद निकले। तो हेड आने पर ब्लू वन, ब्लू टू, ब्लू थ्री, और हेड आने पर डब्लू वन, डब्लू टू, डब्लू थ्री और डब्लू फोर, और टेल आने पर क्या फेंकोगे? पासा फेंकते हो। तो टेल आने पर पासा फेंकोगे तो पासे में या तो टेल कॉमा वन, टेल कॉमा टू, टेल कॉमा थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। चलो क्लियर है, पूछो पूछो। प्रतिदर समष्टि क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस चलिए ठीक है। क्यों भाई, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? छत्रपाल? समझ में नहीं आया क्या? नो बोल दे बेटा, नहीं आया समझ में सर, आ तो। गया सर, थोड़ी बैक हो गया था, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बाहर चला गया था। चलो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक पासा फेंकने के प्रशिक्षण परीक्षण पर विचार कीजिए। घटना एक अभाज्य संख्या। ओके, एक घटना है, अभाज्य संख्या का प्राप्त होना को ए, मतलब ए का आना क्या है भाई साहब? अभाज्य। तो ए का आना है अभाज्य संख्या, और एक विषम संख्या प्राप्त होना बी। बी है विषम संख्या का प्राप्त होना, ठीक है, से निरूपित किया जाता है। चलो ए यूनियन बी बताओ, ए और बी बताओ, ए किंतु बी नहीं बताओ, और ए नहीं को निरूपित करने वाले समुच्चय की संख्या लिखो। देखो भैया, पासा फेंके हो तो एस बराबर कितना आएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये तो हो गया एस। अब इसके बाद ए क्या है? ए है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? दो, तीन, पाँच। तो ए ए का होना क्या हो गया? दो कॉमा तीन कॉमा पाँच। फिर विषम संख्या एक, तीन, पाँच। ए यूनियन बी, दोनों को मिला दो। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन ले लो। ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को बाहर कर दो। तो दो, तीन, पाँच में से तीन पाँच बाहर गया तो केवल क्या बचेगा? दो। और ए का ना होना मतलब वन, फोर, सिक्स। अच्छे से देख लो, बहुत सरल सरल सवाल बन जाएगा। यस सर, हाँ भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, शर्माने की बात नहीं है। कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक 10। 20 टिकट, टिकट के ऊपर एक से लेकर 20 तक की संख्या लिखी हुई, यदि इसमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर अंकित संख्या तीन या सात गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीन का गुणक, सात का गुणक। तो भैया तीन और सात के कोई कॉमन गुणक तो होते नहीं है, तो तीन के गुणक कौन कौन से होते हैं? तीन, छः, नौ, 12, 15, 14, 15 और 18, और सात के गुणक होते हैं 7 और 14, तो कुल कितने हो गए? 8। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/20। कहो, समझ में आया? यस सर, शिवानी तिवारी, क्लियर है? बेटा शिवानी तिवारी, अमन सिंह माइक ऑन करो। यस हाँ अमन सिंह माइक ऑन करो, समझ में आ रहा है? सर, यस सर, ओके ठीक है, शिवानी तिवारी माइक ऑन करके बात करो। क्लियर है? पीयूष तिवारी, हाँ भाई पीयूष तिवारी, यस हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पांच लड़के तथा तीन लड़कियां यदृच्छ छाया एक पंक्ति में बैठे हैं, दो लड़कियों के बीच में एक किसी लड़के को ना बैठने की प्रायिकता क्या होगी? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पांच लड़के तीन लड़कियां यदृच्छ छाया एक पंक्ति में बैठे हैं, दो लड़कियों के बीच में किसी लड़के के ना बैठने की प्रायिकता क्या होगी? देखो भाई, पांच लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं। ओके, दो लड़कियों के बीच में कोई लड़का ना बैठे, इसकी प्रायिकता आपको क्या निकालनी है? तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कि अपन को कैसे बिठालना है,
दो लड़कियों के बीच में कोई लड़का ना बैठे, हमको ऐसे बिठाना है कि दो लड़कियों के बीच में कोई लड़का किसी लड़के के ना बैठने की प्रायिकता। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास टोटल कितने लड़के हैं, पांच लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं, ठीक है ना, मतलब ये बात क्लियर है कि दो लड़कियों के बीच में अगर कोई लड़का नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब पक्का वो तीनों लड़कियां साथ में बैठ रही हैं। यस, तीनों लड़कियां साथ में ही बैठ रही हैं। अब अपने पास पांच लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं, सबसे पहले उन पांचों को तीनों को जोड़ के बैठा लो, तो कितने हो गए, आठ। मतलब कुल तरीके कितने हो गए, आठ। अब आठ नीचे आएगा, कुल तरीके फैक्टोरियल आठ हो गया। अब हमें वे तरीके चाहिए हैं जहां पर वे तीनों लड़कियां एक साथ बैठी हैं, तो वो तरीके कितने होंगे भाई, वो तरीके कैसे निकलेंगे। टोटल लड़के कितने हैं, पांच, तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच लड़के हो गए। अब तीनों लड़कियों का झुंड को एक मान लो, तो कुल कितना हो गया, छह। तो पांच और एक छह, छह फैक्टोरियल, और अंदर लड़कियां कितनी हैं, तीन हैं, तो आपस में तो इधर उधर हो सकती हैं, तो फैक्टोरियल छह गुणे तीन, तो आंसर आएगा छह गुणे तीन बटे आठ फैक्टोरियल। कहिए, समझ में आया। यस यस, चलिए अगला सवाल। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, पासे के योग में नौ आने की प्रायिकता। भाई नौ कौन कौन देगा, तीन छह देगा, छह तीन चार, पाँच देगा, पाँच चार देगा, बस ये दोगे तो 4/36 प्रायिकता, 1/9। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सात से कम तो पूरी घटना हो जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छः, सात से ज़्यादा कोई होती नहीं है, तीन से गुणज दो होती हैं, और चार से कम एक दो तीन होती हैं। बोलिए, क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट। दो घनाकार पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों में योग सात या सात से कम, सात से अधिक या सात से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो योग या तो सात से कम आए या सात से अधिक आए। तो भैया एक काम करो, मतलब सात ना आए, तो सात के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो सात काय काय में आएगा, छः पाँच दो तीन, चार चार तीन, पाँच दो छः एक, इतने केस हो गए भैया सात आने के। वन में से 1/6 को माइनस कर दो, तो अनहोनी बराबर 1 - होनी। बोलो, क्लियर है। यस सर। बावन ताश की पत्ते में से खींची गई है, एक ताश निकाला जाता है, इक्का या बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्का यूनियन बादशाह। अब इक्का और बादशाह दोनों तो साथ में एक नहीं हो सकते हैं, तो क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी, इक्का की प्रोबेबिलिटी प्लस बादशाह की प्रोबेबिलिटी। तो इक्का की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 1/13 है। बादशाह की प्रोबेबिलिटी 1/13, दोनों को ऐड कर दिया, 2/13। तो इक्का या बादशाह ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 - 2/13 माइनस कर दो, 11/13। बच्चों क्लियर है, बचाओ। सवाल लेना। यस सर। हाँ जी, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन है। एक पुस्तक के 90% प्रश्नों को ए हल कर सकता है, मतलब ए के हल करने की प्रायिकता 90% है, बी 70 है। यदि दोनों कम से कम दोनों में से कम से कम द्वारा पुस्तक के यदृच्छाया चुने गए किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, कम से कम आपको बताना है कि प्रायिकता क्या होगी, एक द्वारा दोनों में से कोई एक सॉल्व करे। ओके, कम से कम एक में के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों में से कम एक के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ बच्चों, इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, यूनियन, पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी कैसे करेंगे, देखो अच्छे से। आपके पास ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता ये है, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता ये है, और पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए का हल करना बी के हल करने पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मिला भाई। इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, नोट कर ले, ये होता है फॉर्मूला। ए के द्वारा हल करे जा सकने की प्रोबेबिलिटी 90% है, बी के द्वारा 70% है,
ठीक है। यस सर। सात 72%, 63। चलिए 10 और 30, 30%, 70%, 90, नहीं आएगा 0.9, 0 points, नहीं आएगा 10, 30। चलिए हाँ ये हो गया, इसको आगे नोट कीजिए। हाँ कुछ पूछते रहना भाई, देखो छुपा होने से काम नहीं चलेगा, कहीं पे डाउट है पूछते रहना। तो ए और बी में जी से सर। कम एक हल होने की प्रायिकता, उसके जो हल हो जाने की एक के द्वारा, एक कोई एक कर ले, दोनों कर ले, है ना, मतलब कम से कम एक में सब आ जाते हैं। चलिए लिख लिया, डन, आगे बढ़े। डन। यस पढ़ो छत्रपाल की। एक ट्रक किसी, एक ट्रक किसी मार्ग बाधा पर रुका हो तो इस बात की प्रायिकता है कि ट्रक के ब्रेक दोषपूर्ण हैं या उसके टायर घिसे पीटे हैं, क्रमशः 0.32 तथा 0.24 हैं। साथ ही इस बात की प्रायिकता 0.38 है कि यदि ट्रक उस मार्ग बाधा पर रुका तो उसके ब्रेक दोषपूर्ण हैं या उसके टायर घिसे पीटे हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि ट्रक उसी मार्ग बाधा पर रुका तो उसके ब्रेक दोषपूर्ण हैं, साथ ही उसके टायर भी घिसे पीटे हैं। तो ए दिया है, बी दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, बाकी इधर चला जाएगा। बोलो क्लियर। यस सर। अगला सवाल पढ़ो बेटा। एक शहर में 20% व्यक्ति अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तथा 5% दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं? कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, तो पहले यूनियन निकाल लो, और कोई भी मतलब नहीं, ना तो ए ना तो बी, तो यूनियन को माइनस कर दोगे 1 से, तो ये आ जाएगी आपकी अनहोनी, ना अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वैसे फाइल दे रखी है मैंने, देख करके एक बार बताओ कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो आंसर 45%। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक एक पाठशाला की कक्षा 11वीं के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी अध्यक्ष चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या विज्ञान जीव विज्ञान पढ़ता तो होगा। फिर से वही करना है, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करके आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो अगला सवाल पढ़ो, ये अच्छा है। एक कॉलेज में, एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में तथा 10% विद्यार्थी गणित और रसायन शास्त्र दोनों में फेल हो जाते हैं। एक विद्यार्थी अध्यक्ष चुना जाता है तो पहला, यदि वह रसायन शास्त्र में फेल है तो गणित में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह गणित में फेल है तो रसायन शास्त्र में फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके गणित और रसायन शास्त्र में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। देखिए तीनों प्रायिकताएं दी गई हैं फेल होने की, पहले एक में गणित में फेल होने की, दूसरा रसायन, पहली रसायन गणित में, फिर दूसरी रसायन में, और तीसरा दोनों में। तो ला बना लो भैया प्रायिकता फेल होने की, पी मैथ में 25%, केमिस्ट्री में 15%, और मैथ और केमिस्ट्री दोनों में 10% फेल होने की प्रायिकता। अब फॉर्मूला, मैथ या केमिस्ट्री में तीसरा वाला सवाल पहले नंबर पे करो, गणित या रसायन में फेल होने की, तो यूनियन लगेगा,
ए प्लस बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करके 0.3 आ गया पहला। दूसरा पॉइंट, अगर केमिस्ट्री में हो चुका है तो मैथ में की प्रायिकता क्या होगी? पी एम इंट अपॉन सी इक्वल टू पी एम इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। इसका फॉर्मूला लिख लो सब लोग, मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला है लिखो, पी ए कंडीशनल बी, बी के ऊपर ए के घटित होने की प्रायिकता ऐसे लिखो, पी ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल बी, बी के ऊपर ए के घटित होने की प्रायिकता बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा, ठीक है ना? यस। तो केमिस्ट्री में फेल हो चुका है तो मैथ में होने की प्रायिकता क्या होगी? मैथ में फेल हो चुका है तो केमिस्ट्री में होने की प्रायिकता क्या होगी? ऊपर एम इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, एम इंटरसेक्शन पी अपॉन पी एम। क्लियर, डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित ए और बी दो घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी नहीं हैं, परस्पर अपवर्जी नहीं तो सिद्ध कीजिए पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए भैया, आप जानते हैं कि जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं होती हैं उनमें पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो जीरो नहीं होता। परस्पर अपवर्जी घटनाओं का पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हुआ करता है, तो हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जोड़ना है। तो बेहद सिंपल है भैया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? पी ए प्लस पी बी। मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, आपको ये प्रूफ करना है तो आप इसको मेरे तरीके से प्रूफ कीजिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। क्या होगा? देखो, इसका आर एच एस ले लो, तो आर एच एस जो इसका है वो है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर हो गया पी ए प्लस पी बी, हैंड्स प्रूव, नोट कर लीजिए। समझ में आया? ठीक यस सर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ए माइनस बी के साथ बी को क्लब कर दिया है और ये बन गया ए माइनस बी प्लस पी बी, ठीक है, और पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और इसको ऐड करके पी ए। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो बट हमारा मेथड ज़्यादा बेटर है, उससे कर लो, ज़्यादा सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, एक पाठशाला, ये तो दोबारा हो चुका, सॉरी ये तो कर चुके। पढ़ो अगला क्वेश्चन। एक थैले में एक 8 लाल और 5 सफेद गेंदे हैं, इसमें से 3 गेंदे यादृच्छा चुन निकाली जाती हैं। प्राय याद कीजिए, जब पहला तीनों गेंद, दूसरा तीनों लाल हैं, तीसरा 1 लाल व 2 सफेद तो हैं। पहले तीनों सफेद हैं, टोटल सफेद कितनी थी? 5, तो 5 में से ऊपर 3 खींच लो 5C3, और नीचे 8 और 5 13, नीचे 13C3। तो पहला आंसर क्या आएगा? पहला आंसर आएगा 5C3 अपॉन 13C3। दूसरा, तीनों लाल गेंदे हैं तो लाल कितनी थी? 8, तो 8C3 अपॉन 13C3। तीसरा, एक सफ़ेद खींचनी है और एक लाल खींचनी है, समझ गए ना? तो एक 8 में से एक खींच लो और दो उससे खींचनी है, दो सफ़ेद हैं तो मल्टीप्लाई बाई 5C2 अपॉन 13C3। कहो भाई क्या नहीं बना? सारे क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली 30 हरी गोलियां हैं, डब्बे में से 5 गोली निकालनी। यद अच्छा है, नीली गोली निकालनी है, नीली कितनी है? 20, तो 20 में से 5 20C5 डिवाइड बाई टोटल गोलियां कितनी है? टोटल गोलियां अपने पास 10 20 30 30 60 अपॉन 60C5, ठीक है ना? तो कितना आ गया? 20C5 अपॉन 60C5। कम से कम एक हरी गोली है,
कम से कम एक हरी गोली है बेटा, याद कर लो कम से कम का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू वन माइनस कोई हरी गोली नहीं। तो हरी गोली टोटल कितनी थी, 30 थी, है ना। तो हरी गोलियाँ 1 - 30C5/60C5, क्लियर। यस सर। एक में से कोई नहीं को माइनस कर दो तो कम से कम एक का केस आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। किसी प्रश्न को हल करने के ए के प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 तथा उसी प्रश्न को हल करने के बी के अनुकूल संयोगानुपात 7:5 है। हाँ। यदि वे कोशिश करते हैं तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता निकालना है तो पहले संयोगानुपात दिया, तो संयोगानुपात से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रश्न ए के हल ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रतिकूल संयोगानुपात है, तो प्रतिकूल मतलब ना हो पाए, तो 4/7 पहली प्रोबेबिलिटी होगी ना होल होने की। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/ अच्छा दूसरे में बी के अनुकूल दिया है, अनुकूल संयोगानुपात है तो मतलब होने के केस 5-7 और ना होने के 5, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 5/12। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई E1 × E2। ये हुई उनके प्रश्न के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो होनी बराबर 1 - अनहोनी, तो इसको कर दोगे तो आंसर आ गया 16/21। पूछो बच्चों कहाँ पे डाउट है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन कि नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं हुआ तो पूरी तरह से कर लेते हैं बेटा, क्लियर। चलो देखो बेटा, देखो अगर किसी चीज के अनुकूल संयोग है, अनुकूल संयोगानुपात का मतलब होता है जैसे बेटा M/N लिखा है, मतलब ये होते हैं होने के तरीके और ये होते हैं ना होने के तरीके। तो कुल तरीके कितने हो गए बेटा, कुल तरीके हो गए M+N। आई बात समझ में ना। यस सर। अब होने की प्रायिकता यदि बात की जाए कि होने की प्रायिकता कितनी होगी, अब यदि आपको यहां पर होने की प्रायिकता निकालनी है तो होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होना ए, तो होने के तरीके कितने हैं एम और कुल तरीके कितने M+N। दूसरा ना होने की प्रायिकता P a बार, ना होने के तरीके N और कुल तरीके M+N। आया समझ में। यस सर। हाँ, अब यही यदि प्रतिकूल संयोगानुपात कह दे, प्रतिकूल संयोगानुपात मतलब ऊपर ना होने के तरीके, जैसे आपको बोल दिया गया प्रतिकूल संयोगानुपात है ना, तो क्या बचा वो N/M, तो ऊपर होगा ना होने के तरीके और नीचे होगा होने के तरीके, समझ गए। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, M/M+N, और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कितनी, N/N+N। ले लो फोटो इसका। डन डन सर। यस। ये हो गया तो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग अनुपात इस तरीके से आ गया। चलो बहुत अच्छे, अब देख लो बन जाएगा नहीं बनेगा। बन जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बन जाएगा सर। यस, किसी दौड़ में चार घोड़ों ए बी सी और डी के जीतने के अनुकूल संयोग अनुपात 1:2, 1:3, 1:4 तथा 1:5 है, उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल है यार, जीतने की प्रायिकता निकालनी है, घोड़े के अनुकूल संयोग अनुपात दिए हैं तो 1:2 है तो प्रायिकता निकाल लो, और क्योंकि एक घोड़ा दूसरे घोड़े से कोई डिपेंड नहीं करता है तो चारों घोड़ों की कुल प्रायिकता क्या होगी, चारों का अलग अलग योग, क्योंकि अपना घोड़ा अपने पैर से दौड़ेगा दूसरे से तो कम मतलब है नहीं, तो आंसर आ गया 9/19/20। ठीक है। Yes, चलिए, ऐसा वर्ष जिसमें लीप वर्ष ना हो, तो लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और विदाउट लीप वर्ष में 366 दिन, तो 63 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। चलो सॉरी, विदाउट लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 52 हफ्ते हो गए और बचा एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 52 हफ्ते में हुए 364 दिन और बचा एक दिन एक्स्ट्रा, तो उस हफ्ते में एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/7, क्योंकि एक दिन बचा है और 52 रविवार हो चुके हैं, तो 53 रविवार होगा तो कितने केसेस है टोटल, 7, 7 में से एक अपना रविवार का है तो 1/7। ठीक है जी सर। चलो अगला, लीप वर्ष है, लीप वर्ष के 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 2/7, क्योंकि दो दिन बचेंगे इसमें, तो
तो प्रायिकता बन जाएगी इसकी 2/7। समझ में आया? यस चलो अगला। यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 दिन के माह में 5 रविवार, तो 30 दिन में 7 चौके 28, 4 तो रविवार होने पक्के हैं और बाकी बचे 2 दिन, तो 2/7 प्रायिकता हो गई। पूछो, समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनके डाउट हैं तो चुप नहीं रहेंगे, पूछेंगे, ठीक है ना? ये सरल चैप्टर है इसलिए जी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। दो पासे फेंके जाते हैं, निम्न घटनाओं पर विचार करें, ठीक है? प्राप्त संख्या का योग सम है, तो प्राप्त संख्या का योग सम है तो सम के देखो केस बना लो। अगला, 3 के गुणज हैं, प्राप्त संख्याओं का योग, तो 3 का गुणज ऐसा बनेगा। 4 से कम है तो योग 4 से कम ये होना चाहिए, ओके। योग 11 से अधिक है तो 11 से अधिक ही का योग होता है 12। अब आपको क्या कह रहा है, कौन सी परस्पर अपवर्जी है? तो ऐसी घटनाएं जिसमें ए और बी का कुछ कॉमन ना हो उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। तो यहाँ पर ए और बी परस्पर अपवर्जी नहीं है, बी ए और डी भी नहीं है, बी और सी भी नहीं है, बी और डी भी नहीं है, केवल सी और डी परस्पर अपवर्जी घटना है। देखो ध्यान से सी और डी को, ये सी है और ये डी है, बाकी कोई भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। पूछो। 2 1 3 2 1 2 यस सर चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, कोई चित्र प्रकट नहीं है, दोस्त एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ओके। टोटल 8 बनेंगे और इसमें आपको बताना है कि तीनों में से कौन सी परस्पर अपवर्जी है। तो पहला ये तो बना दिया आपने प्रदर समष्टि S। इसके बाद आपको जो है कह रहा है कि तीनों पट आना, तीनों चित्त पट, पट बोलते हैं हाँ टेल को, है ना? कोई चित्त प्रकट नहीं होता मतलब, फिर एक चित्त प्रकट होता है मतलब एक चित्त, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और तीसरा ये हो गया, तीसरा है दो चित्त आना। अब कह रहा है कि बताइए क्या ये निःशेष घटनाएं हैं? अगर निःशेष घटनाएं होंगी तो तीनों घटनाओं का यूनियन जो होगा सैंपल स्पेस आएगा। चेक कर लो तीनों घटनाओं का सैंपल स्पेस आ रहा है का? हाँ आ रहा है। अब कह रहा है कि कौन कौन से युग्म जो हैं परस्पर अपवर्जी हैं, तो कोई भी युग्म परस्पर अपवर्जी नहीं है क्योंकि सबका इंटरसेक्शन जो है फाई मिल रहा है, सॉरी सॉरी मिल रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, ए इंटरसेक्शन बी फी भी फाई है और बी इंटरसेक्शन सी भी फाई है, तो इसलिए ये परस्पर अपवर्जी हैं। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन 20। दो पुरुष दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की समिति का गठन करना है, प्रायिकता क्या होगी? गठित समिति में कोई पुरुष ना हो, कोई पुरुष ना हो तो चारों महिला, दो लोग महिलाएं ले लो, तो 2C2/4C2 प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। दोनों पुरुष हो मतलब 2C, एक महिला एक पुरुष मतलब 2C1 × 2C1/4C2, और दोनों पुरुष मतलब 2C2/4C2 मतलब 1/6। बताइए जी, क्लियर? यस सर क्लियर सर हाँ जी। कल कल इसका टेस्ट आएगा, जबरदस्ती क्लियर नहीं बोलना, पूछ लेना डाउट हो तो। अगला, यस सर 4 पुरुष 3 महिलाओं के में 4 व्यक्तियों की एक मठी गठित करना है मीटिंग। दो पुरुष दो महिलाएं, तो 4 में से 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, तो दो दो महिलाएं हो गई, तो ये पहला आ गया। अगला, 3 पुरुष, तो 4C3 × 4C1, 3C1/7C4। चलो क्लियर, देख लो। यस अगला क्वेश्चन। जब ताश के 52 पत्तों में से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है, इसमें से 4 बादशाह, 7 पत्ते हैं जिसमें से 4 बादशाह शामिल हैं और तत्वतः 3 बादशाह हैं और न्यूनतम 3 बादशाह हैं। चलिए तो देखिए भैया, ताश के पत्तों में से 7 पत्ते खींचे जा रहे हैं, पहला है 4 बादशाह हैं, तो 4 पत्ते तो बादशाह के हो जाएंगे, बाकी के 3 पत्ते 48 के होंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 50C7, 52C7 नीचे आ गया। पहला वाला क्लियर? यस अगला, 3 बादशाह मतलब 4C3, बाकी के 4 पत्ते को ये अलग वाले, तो 48C4/52C7, ठीक है? क्लियर है ये? यस अगला, जी सर न्यूनतम, सर हाँ नहीं है क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहले 3 बादशाह हैं और 4 अन्य पत्ते हैं, तो 3 बादशाह,
तो चार में से तीन बादशाह सेलेक्ट करने के तरीके फोर सी थ्री, और बाकी के पत्ते कितने बच गए भाई, तीन सेलेक्ट हो गएंगे है ना चार में से, अब बाकी के कितने बचे भाई आपको, बाकी के आपको चार पत्ते खींचने हैं कितने में से, 48 में से, तो 48 में से चार जी पत्ते सर। खींचने के तरीके 48C4, और नीचे टोटल कितने पत्ते 52 में से कितने खींचना है, सात। अब ठीक है, ठीक है, जी सर। अगला, न्यूनतम तीन बादशाह मतलब कम से कम तीन बादशाह होंगे, तो एक केस तीन बादशाह का, एक केस चार बादशाह का, तो दोनों जितने आए हैं ऊपर और नीचे के दोनों केस जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, तीन बादशाह के और चार बादशाह के केसेस। ठीक है, जी सर। क्वेश्चन नंबर 23, ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छ छाया निकाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे, भाई ताश की गड्डी है 52 पत्ते निकालोगे तो 52 ही तो बिंदु होंगे, पत्ते हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, एक ही पत्ता होता है हुकुम का इक्का मतलब 1/52, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है तो इक्का होने की प्रायिकता 4/52 1/13। यानी 1/13, और दूसरा काले रंग का है तो 26 पत्ते मतलब 1/2। ठीक है, यस सर। अगला सवाल, प्रायिकता का योगशील प्रमेय क्या कहती, प्रायिकता योगशील प्रमेय कहती है कि अगर n परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो कुल प्रायिकता सबका योग होगी, ठीक है ना, n परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो कुल प्रायिकता जो होगी वो सबका योग होगी। ठीक है बेटा, जो कुल प्रायिकता होगी वो सबका योग होगी, ये कहलाती है प्रायिकता की योग घटना, उसको योग सिद्धांत बोलते हैं। चलिए अगला, एक थैले में 13 गेंदे हैं, उसमें से एक से लेकर 13 तक क्रमांक डाले गए हैं, सम संख्या सफलता है, एक दो गेंदे एक एक करके निकाली जाती हैं, दूसरी बार निकालने से पूर्व पहली गेंद को थैले में रख दिया जाता है, अच्छा मतलब थैले से निकाल के रख दिया जाता है, कम से कम दो सफलताएं और कम से कम एक सफलता, अच्छा दो सफलताएं कैसे निकलेंगी भाई, कौन सी गेंद निकालने सफलता है, सम संख्या, टोटल 13 गेंदे हैं तो 13 गेंदों में 6 हुई सम और 7 हुई विषम, क्योंकि 7 6 13, बोलो हाँ, ठीक है, तो पहली पहली सम संख्या वाली गेंद कितने केस होंगे, 6/13, दूसरी सम संख्या क्योंकि वापस रख दिया तो गेंद 6 हो गई 6/13, तो प्रोबेबिलिटी दो सफलताओं की प्रायिकता 36/169, क्लियर। अगला अगला, कम से कम एक सफलता, कम से कम एक सफलता, क्योंकि आप जो है दो गेंद निकालते हो तो एक सफलता मतलब पहली गेंद निकला है सम दूसरी निकले विषम, या पहली गेंद विषम और दूसरी गेंद सम और तीसरा दोनों सम निकल आए तो ये कहलाएगी कम से कम एक सफलता, समझ गए ना, कम से कम एक सफलता में पहली, तो देखो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी और पी ए इंटू पी बी, तो कितना आ जाएगा, देखो सम विषम विषम सम और दोनों सम सम का मल्टीप्लाई, आंसर ये आ गया, कहो समझ में आया कि नहीं आया, सम यस विषम सर। विषम सम और दोनों सम सम आ गई, तीसरा है कोई सफलता नहीं, तो पहले बार में ही फेल हो गया दूसरे बार में फेल हो गया, तो ना तुम ना हम, आंसर ये आ गया, क्लियर है। यस सर। 1 से 16 तक टिकट लिखा हुआ है, संख्या पर 2 3 का गुणज होने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 1 से 16 तक 2 या 3 का गुणज, तो 2 का गुणज या 3 का गुणज, तो पहले आपको जो है 2 के गुणज टोटल कितने हैं, 8/16, 3 के गुणज कितने हैं, 5/16, और 2 और 3 दोनों के माइनस कर दो, ये लगा दो भैया आंसर आ जाएगा, पी ए इन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, जी ओके, सर। यस हाँ सर, क्लियर। जी ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 75% परिस्थितियों में सत्य बोलता है, बी 80 में सत्य बोलता है, तो कितने प्रतिशत स्थितियों में वे एक सत्य को बोलने के लिए विरोधाभास प्रकट कर देंगे, तो मतलब ये बोलेगा इतने पे सत्य, ये बोलेगा इतने पे सत्य, दोनों विरोधाभास होने चाहिए, तो जब ए सत्य बोले तो बी असत्य बोले और जब बी सत्य बोले तो ए असत्य बोले, तो पहला ए सत्य तो बी असत्य, या ए असत्य तो बी सत्य, बस कर दो सॉल्व, क्या समस्या बच्चों बोलो, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई पूछ लो, क्लियर। यस सर।
समझ में आया छत्रपाल की जबरदस्ती ये सर बोल दिए। सर इनको एक बार पहले भी कर चुके हैं तो आ जाते हैं समझ में। बस यही पूछ रहा हूं मैं। अगला ए भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए दिया है ए का घटित होना नहीं, ए का घटित ना होना बताता है। ए यूनियन बी 0.5 है, पी भी बराबर इतना है, तो पी के मान वही पी ए बराबर 1 - PA बार से पहले पी ए निकाल लिया और इसके बाद पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगा करके आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर सर ये कुछ थोड़ी। हाँ अगला घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर इतना पी बी बराबर इतना, तो पी बी नहीं बी का ना होना, तो पहले पी बी निकाल लो और फिर 1 - PB कर दो और ए या बी मतलब ए यूनियन बी। क्लियर जी सर। यस सर। ई और एफ घटनाओं की बात करना है तो ई एफ यानी ई और एफ का यूनियन और ई नहीं और एफ नहीं, तो मतलब ना ई का होना ना एफ का होना, तो फॉर्मूला होता है भैया मैंने पढ़ा रखा आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। लिख लिया, चले आगे। कुछ पूछना है क्या इसमें? चलो अगला। छात्र ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतना है, बी के होने की इतनी है। ए का उत्तीर्ण होना बी का होना दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों पर छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, तो पहले ए के ना होने की बी के ना होने की निकाल लो पहला। दोनों छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो मतलब ए भी पास हो गया और बी भी पास हो गया, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। दूसरा केवल ए उत्तीर्ण हो, ए पास हो गया बी फेल कर गया, केवल बी उत्तीर्ण हो बी पास हो गया ए फेल कर गया, दोनों में से केवल एक ही उत्तीर्ण हो मतलब ए पास होए बी फेल कर जाए या बी पास हो जाए ए फेल कर जाए बी पास हो जाए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। और तीसरा दोनों का कोई उत्तीर्ण होना मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार यानी कि ए बार इंटू बी बार। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी सारी नॉलेज बढ़ रही है आपकी। देखो आराम से अपनी PDF से, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। डन। डन। यस सर। ओके यस सर। ठीक है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। अच्छा एक साथ मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 दिया गया है और पी ए इंटू पी बी घट का, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/8, ठीक ना। स्वतंत्र घटनाएं हैं मतलब पी ए इंटू पी बी हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं में इंटरसेक्शन बी इतना हो जाता है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी आर दोनों के साथ ना होने की घटना कितना 3/8 मतलब पी ए बार इंटू पी बी बार इक्वल टू 3/8। पी ए बार को हम लिख सकते हैं 1 - PA, पी बी बार को 1 - PB इक्वल टू 3/8, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया ये पी ए प्लस पी बी आ गया। अब पी ए माइनस पी बी, ओ हो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब पी ए माइनस पी बी को बनाएंगे टेक्निकली पी ए प्लस पी बार का होल स्क्वायर माइनस 4 PA PB दैट इज इक्वल टू 1/4 और दोनों को हल करने पर ये आएगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन है NDA के लायक, ठीक है ना। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटू पी बी दिया गया है, इनके किसी के घटित ना होने की प्रायिकता मतलब 1 - PA इंटू 1 - PB की वैल्यू 3/8 दी गई है। वहां पर हमने पी ए इंटू पी बी की वैल्यू डाल दी और उससे हमारे पास पी ए प्लस पी बी का आ गया वैल्यू। पी ए प्लस पी बी से हमने पी ए माइनस पी बी निकाल लिया, सॉल्व करके आ गया। चलो देख लो क्लियर है। बोलो सर एक बार रिवाइज कर दीजिए। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से और क्वेश्चन में देखो तुम्हें ये शुरुआत में पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू बी बी बराबर 1/8 और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 3/8 यानी पी ए बार इंटू पी बी बार बराबर 3/8 और पी ए बार को मैं लिख सकता हूँ 1 - PA, पी बी बार को लिख सकता हूँ 1 - PB इक्वल टू 3/8। कर सकता हूँ नहीं कर सकता?
यस सर। हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए प्लस पी बी का फॉर्मूला निकल आएगा, पी ए प्लस पी बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया पी ए प्लस पी बी की वैल्यू। क्लियर है जी सर। अब इसके बाद एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं 10th क्लास में, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो पी ए माइनस पी बी कर दो, पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पी ए लिख दिया, बी की जगह पी बी लिख दिया है, कर लोगे सॉल्व जी सर। चलिए अगला, 52 पत्तों की फेटी हुई ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के लाल या इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। भैया लाल हो इक्का हो या दोनों लाल और इक्के, तो बस केस बना दीजिए, लाल होने की प्रायिकता कितने होंगे भाई, टोटल पत्ते होते हैं 26 लाल के, इक्के के होते हैं 4, और दोनों लाल और इक्का एक साथ, तो लाल के इक्के पत्ते कितने होते हैं 2, दो पत्ते लाल भी होते हैं साथ में इक्के भी हुआ करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2c2 अपॉन टोटल पत्ते 52c2। चलो कर दिया सॉल्व, 52c2 1526। देखो बच्चों आराम से किस लाइन में दिक्कत हो रही है मुझसे पूछो, आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं इसमें। ओ युवराज वो लगा देना यार, डन। यस सर। चलो यस सर डन। एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, शीर्षों की प्रायिकता का बंटन कीजिए, तो सिक्के में शीर्ष कितने होंगे, 0 शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, तो बंटन कर दो भैया, प्रोबेबिलिटी निकाल दो 0 शीर्ष की, तो x इक्वल टू 1 में कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3 केसेस आएंगे, x इक्वल टू 0 के लिए एक केस आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 × 1/2, अगर x इक्वल टू 1 की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, प्रोबेबिलिटी हेड टेल और टेल हेड की, तो 1/2 जोड़ दो, और दो सीरीज की यदि बात की जाए तो हेड हेड यानी 1/4, बोलो क्लियर, प्रोबेबिलिटी बना करके लिखना है, बंटन कर दिया, एक्स मतलब 0 सीरीज, 1 सीरीज और 2 सीरीज, क्लियर हुआ, गिन करके हेड हेड को काउंट करा है, कितने हेड होंगे, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, नहीं हुआ क्लियर क्या, क्यों भाई छत्रपाल क्लियर नहीं हुआ क्या, मुगल सिंह परिहार जल्दी बोलो, पर हेड की जगह टेल को भी काउंट कर सकते हैं भैया, जिसको बोला है उसको काउंट कर लो, शीर्ष की संख्या की प्रायिकता बताना, शीर्ष, हाँ शीर्षों की संख्या, वैसे इसने बोला नहीं है, अब हेड की जगह यहाँ पे टेल भी काउंट कर सकते थे, सही बात है सर, शीर्ष मतलब जो वैसे हेड होता है, शीर्ष का मतलब हेड, यस सर हेड है ना, चित्तपट भी बोलते हैं, मगर यहाँ शीर्ष का मतलब हेड है। yes. एक पासा दो बार फेंका जाता है, पासे के फेंक में विषम संख्या आने पर सफलता मानी जाती है, सफलता ओके, विषम संख्या आती है पासे को दो बार फेंकते हो, तो भैया विषम संख्या हो सकता है एक भी बार ना आए, विषम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है एक बार आए, और विषम संख्या हो सकती है दो बार आ जाए, यस, तो विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, 3/6 मतलब 1/2। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी वितरण कर दो, तो देखो भैया पहली बार दोनों बार विषम संख्या, दोनों बार असफलता विषम संख्या नहीं आई, तो 1/2 × 1/2, एक बार विषम संख्या आ गई मतलब एक बार सम एक बार विषम, तो सम की प्रायिकता पी, विषम की प्रायिकता क्यू, ठीक है ना। तीसरा, केवल एक बार विषम संख्या आ गई, दोनों बार विषम संख्या आ गई मतलब दोनों बार आपको सफलता मिल गई, 1/2 1/2, प्रायिकता बंटन बन गया, ये बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। yes. पासा आपने फेंका है, विषम संख्या आना सफलता है, तो भैया हो सकता है विषम संख्या एक भी बार ना आए मतलब 0 बार, हो सकता है विषम संख्या एक बार आ जाए, और हो सकता है विषम संख्या दो बार आ जाए, तो 3 के लिए बंटन बना दो। चलिए, एक पासे को 3 बार फेंकने पर संख्या 6 आने की प्रायिकता, यार पासे को 3 बार फेंकने पर संख्या 6 आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो पासे को 3 बार फेंका गया है 6, या तो कोई बार नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो दो बार आएगा, या तीनों बार आ सकता है ना, तो ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई, एक पासे को 3 बार फेंकने पर 6, तो एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, तो 6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी 5/6,
अब पासे को 3 बार फेंकने पर 4 संभावनाएं संभव हैं कि 6 एक भी बार ना आए, 6 एक बार आए, 6 दो बार आए, 6 तीनों बार आए, मतलब एक्स के 4 केसेस बनेंगे। तो एक्स इक्वल टू 0 निकाल दिया, एक्स इक्वल टू 1 निकाल दिया, एक्स इक्वल टू 2 निकाल दिया। हाँ ठीक है, और एक और निकलेगा ना, 3 बार पासे को फेंके तो एक्स इक्वल टू 3 भी निकलेगा। 3 बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, हाँ एक और निकलेगा बच्चों, एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, पासे को आपने कितने बार फेंका है, 2 बार फेंका कि 3 बार फेंका, इसमें 2 बार क्यों कर रहा है भाई, 3 बार फेंके हो तो बहुत सारे आउटकम बनेंगे। एक पासे को 3 बार फेंकने पर तो हो सकता है, नहीं बच्चों ये जो है ये गलत है, क्वेश्चन का आंसर ये गलत दिया हुआ है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लगा दिया है, 3C0P की पावर 3, ये पहले वाले से लगा दिया है, दूसरे में हेड टेल। 2 सिक्के ले लिए फटाक से, कहाँ से ले लिया भाई 2 सिक्के, पेज का ऊपर नीचे हो गया, राइट 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 सर, 2 पेज एक्स्ट्रा हो गए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 2 पेज एक्स्ट्रा हो गए। चलो बेटा फॉर्मूला लिख लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें 0 सफलता, एक भी बार नहीं आया, इसमें 1 बार आया हेड, इसमें 2 बार आया, इसमें 3 बार आया। फॉर्मूला लिख लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR प्रोबेबिलिटी की पावर R, सफलता की पावर R और विफलता की पावर N-R, ये लिख लीजिए, इससे ये सॉल्व हुआ है। NCR सफलता की पावर R और विफलता की पावर N-R। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कुछ क्वेश्चन बचे हैं ये पूरे कर लीजिएगा, कल जो बचे हुए क्वेश्चन है कल करेंगे बच्चों। ठीक है ठीक है, इसको पूरा कर लेना, कोई दिक्कत होगी फिर से बताऊंगा कल। थैंक यू बच्चों।